गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपका हाइड्रोलॉजी का सेकंड लेक्चर है और हाइड्रोग्राफ टॉपिक के लिए पहला लेक्चर है। हमको हाइड्रोग्राफ पढ़ने से पहले कुछ हमको उसके बेसिक टर्म्स के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। जैसे पहला हमारा बेसिक टर्म है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या है? किसी भी स्ट्रीम के लिए जितना एरिया उस स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट करें उस एरिया को उस स्ट्रीम के लिए हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हमारा यहाँ पर रिवर स्ट्रीम है वन, ये हमारा रिवर स्ट्रीम, रिवर एक स्ट्रीम, स्ट्रीम में कोई भी रिवर है, नदी है, नाला है, कुछ भी है, ठीक। तो इसके लिए मान लेते हैं एक एरिया ए है, ये एरिया इसके लिए कैचमेंट एरिया कब होगा कि अगर इस एरिया में कहीं भी बारिश हो लेकिन उसका पानी बह के इस रिवर इस नदी में आए, कहीं भी बारिश हो और उसका पानी अगर बह के यहाँ पर रन ऑफ में यहाँ पर आए इस स्ट्रीम में मिल जाए तो इस स्ट्रीम के लिए पूरा एरिया कैचमेंट एरिया होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एरिया में बस एक ही कैचमेंट एरिया हो। मान लेते हैं कोई बगल में दूसरी नदी है, नाला है, ठीक। अब बारिश हुई तो इसके लिए दूसरा कैचमेंट एरिया है यहाँ पर, ठीक। अब अगर मान लो इस एरिया में बारिश हो रही है तो यहाँ पानी बह के इस एरिया में आ रहा, तो आपका दूसरे वाले के लिए, दूसरे स्ट्रीम के लिए कैचमेंट एरिया क्या हो जाएगा? ये आपका पूरा कैचमेंट एरिया हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे तो कैचमेंट एरिया क्या है? जितना एरिया आपको किसी भी रन ऑफ स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट कर रहा हो उस एरिया को बोलते हैं कैचमेंट एरिया, ठीक। अब सेकंड पॉइंट हमारा रिज लाइन। रिज लाइन क्या है? जैसे आप देखो रिज लाइन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन इज कॉल्ड रिज लाइन, ठीक। अब जैसे अगर हम समझें तो दो, एक एरिया ए है, एक एरिया ए है, ठीक। एक एरिया आपका ए है, एक एरिया ए है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक बाउंड्री बन रही है। बाउंड्री के इधर देखें तो ये सारा कंट्रीब्यूट पानी किस में हो रहा है? रेन वन में, स्ट्रीम वन में। इसी तरीके से यहाँ पे किस में कंट्रीब्यूट हो रहा है? स्ट्रीम टू में, ठीक। तो एक कैसा आपका बाउंड्री बन रही है, एक हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट जिसका लेवल बहुत ज़्यादा, एक पहाड़, एक हिल की तरह बन रहा है। हिल के इस तरफ देख रहे हैं तो पानी बारिश होकर किधर आ जा रहा है? इसमें। हिल के इस तरफ देखो तो बारिश हो रहा है तो किधर आ रहा है? वाटर टू में। तो क्या है, ये लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन इज कॉल्ड रिज लाइन, ठीक। तो अगर हम हाईएस्ट एलिवेशन वाले पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करें तो उसको क्या बोलते हैं? रिज लाइन बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, रिज लाइन, ठीक। थर्ड हमारा क्या है? हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ क्या है? हाइटोग्राफ क्या है? सिंपल, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। ये क्या है? एक सिंपल रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ, रेनफॉल इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे, टाइम आपका एक्स एक्सिस पे, इन दोनों के बीच में वेरिएशन को जो जिस ग्राफ से हम डिस्प्ले करते हैं उस ग्राफ को बोलते हैं हाइटोग्राफ, ठीक। अगर आपका रेनफॉल इंटेंसिटी वेरी कर रहा हो तो कुछ आपके हाइटोग्राफ ऐसे ऐसे इस तरीके से प्लॉट होते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। वहीं अगर रेनफॉल इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो किस तरीके का बनेगा? स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स, कुछ भी बन सकता है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइसोक्रोन। आइसोक्रोन क्या होता है? आइसोक्रोन लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम ट्रेवल। अब टाइम ट्रेवल से क्या मतलब है? मान लो ये हमारा एक स्ट्रीम है, ठीक, उसके लिए एक कैचमेंट एरिया है। अब मान लो बारिश शुरू हुआ, ठीक, तो ये हम बना रहे हैं 2 आवर लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 आवर लिख रहे हैं। तो हम जब देखते हैं कि 2 घंटे में यहाँ तक का पानी, इस वाले लाइन जो ज्वाइन हो रहा है, यहाँ तक का पानी बह के इस एरिया, इस रन स्ट्रीम में आने लगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ तक पानी को, होने मतलब जो इस सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करके, इस सारे पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बना दें तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम ट्रेवल, मतलब उस टाइम में, पर उस पर्टिकुलर टाइम में 2 घंटे में अगर जितना एरिया कंट्रीब्यूट करने लगे उस लाइन ज्वाइनिंग को बोलते हैं हम आइसोक्रोन। इसी तरीके से मान लो 4 घंटे में इतना एरिया कंट्रीब्यूट करने लगेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ये 4 घंटे में करने लगे तो 4 घंटे वाला आइसोक्रोन। इसी तरीके से 6 घंटे में पूरा यहाँ तक करने लगे तो सारे लाइन को ज्वाइन करने पे जो हमारा इक्वल टाइम ट्रेवल, इक्वल टाइम ट्रेवल मतलब यहाँ का पानी यहाँ आने लगे, यहाँ से यहाँ आने लगे, यहाँ से यहाँ आने लगे, यहाँ से आने, तो 6 घंटे में अगर यहाँ वाला वाटर आने लगे तो इस सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो 6 घंटे में जितना जो पॉइंट कंट्रीब्यूट करने लगा स्ट्रीम में, उस पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो आपको लाइन मिलेगी उसको बोलते हैं आइसोक्रोन, ठीक।
नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ क्या है? सिंपल एक ग्राफ है जो कि डिस्चार्ज और वेरिएशन के बीच, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पर डिस्चार्ज मतलब हम क्या है, रन ऑफ डिस्चार्ज, ठीक। तो इसीलिए कभी कभी इस ग्राफ को बोलते हैं DRH। DRH मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक। मतलब रन ऑफ इसमें क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे हमारा रन ऑफ मीटर क्यूब पर सेकंड में और एक्स एक्सिस पे टाइम आवर्स में, ठीक, बनाते हैं। बिफोर हम ग्राफ बनाने से पहले हमारे कुछ ऊपर हम एक हाइटोग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हाइटोग्राफ क्या होता है, यहाँ पे हाइटोग्राफ किसका बनाते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल मतलब जितना टाइम आपका जो इफेक्टिव रेनफॉल्स मतलब क्या है, ऐसा टाइम जो ऐसा रेनफॉल जो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करे उसको बोलते हैं इफेक्टिव रन ऑफ, ठीक। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो ए वाला पोर्शन है वो आपका इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी को शो करता है, ए वाला आपका ड्यूरेशन को शो करता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, मान लेते हैं कोई हमारा एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया यहाँ बना हुआ है, ये रिवर स्ट्रीम है, इसके लिए कैचमेंट एरिया 1 है। तो जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं बारिश, अभी स्टार्टिंग में देखने मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बारिश शुरू नहीं हुई है, तो क्या होगा, आपका जो कोई भी रन ऑफ नहीं हो रहा होगा तो ग्राफ आपका यहाँ पे होगा। लेकिन कुछ समय बाद जब बारिश शुरू हो जाए तो देखते हैं कि दो घंटे बाद, यहाँ पे दो घंटे बाद जब हम देखते हैं कि ये पूरा एरिया आपका रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करने लगता है, तो कुछ रन ऑफ होगा, कुछ ग्राफ आपका ऐसे बढ़ेगा, ठीक। फिर चार घंटे बाद कुछ अलग होगा, ऐसे छः घंटे बाद कुछ, तो कुछ आपका ग्राफ कुछ इंक्रीज करते हुए इस तरीके का ड्रा होगा। तो जब तक इंक्रीज, जितने देर तक बारिश होगी उस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं राइजिंग लिम, ठीक। और उसके बाद जैसे ही बारिश बंद होगी तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका सडन जीरो हो जाएगा, क्या होगा, सबसे पहले तो जो आपका सबसे पास में से पानी आ रहा होगा वो आना इस स्ट्रीम में बंद करेगा दो घंटे वाला, फिर चार घंटे वाला बंद करेगा, फिर छः घंटे, ऐसे जो धीरे 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 पानी स्ट्रीम में आना। देखते हैं जब भी बारिश खत्म होती है तो नदी अगल बगल के एरिया के नदी नालों का पानी तुरंत आना वहाँ नहीं बंद कर देता है, कुछ बारिश खत्म होने के कुछ देर बाद तक आता रहता है, ठीक। तो इसी वाले सेक्शन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये आपका फॉलिंग लिम होता है बारिश बंद होने के बाद। तो एक पीक डिस्चार्ज आ जाएगा, उसको बोलते हैं क्यूपी, जिस टाइम पे आए उसको बोलते हैं टीपी, ठीक। आगे कुछ इसमें इस पॉइंट है, जैसे क्यूपी आपका क्या है, पीक डिस्चार्ज आपने जान गया जो मैक्सिमम पॉइंट पीक पे आए, टीपी जिस टाइम पे टाइम टू पीक फ्लो, टीएल एक आपका लैग टाइम है, ये है आपका टीएल, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ रेनफॉल टू पीक फ्लो ऑफ हाइड्रोग्राफ, मतलब जो आपका आपने जो ऊपर हाइड्रोग्राफ बनाया उसके सेंट्रॉइड से इसके पीक के बीच की डिस्टेंस उसको बोलते हैं लैग टाइम, समझ में आया सबको, ये सेंट्रॉइड से लेके इसके पीक के बीच की डिस्टेंस को टाइम लैग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है टीबी। टीबी क्या है, बेस फ्लो टाइम सोर्स टाइम ऑफ रेनफॉल, ये आपका बेस फ्लो टाइम है जितने टाइम तक रेनफॉल हुआ पूरा, ठीक, जितने टाइम तक रेनफॉल होकर रन ऑफ में कंट्रीब्यूट कर, इस पूरे टाइम को बोलते हैं, जब तक बेस फ्लो हो रहा है उस पूरे टाइम को बोलते हैं बेस फ्लो टाइम, ठीक। राइजिंग लिम फॉलिंग लिम, आप समझ, जब तक बारिश हो रही तब तक राइज होगा उसके बाद फॉल होगा धीरे धीरे, फॉलिंग लिम को कभी कभी रिसेशन लिम भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है बेस फ्लो। बेस फ्लो एक है डिस्चार्ज कमिंग फ्रॉम सराउंडिंग बैंक्स टू स्ट्रीम, जो भी अगल बगल से डिस्चार्ज बह के स्ट्रीम में आ रहा होगा उसको बेस फ्लो करते हैं, ठीक। अब हम पॉइंट देखते हैं वेरिएशन ऑफ बेस फ्लो, किस तरीके से बेस फ्लो का वेरिएशन होता है। मान लेते हैं एक हमारा एक रिवर स्ट्रीम है जिसमें इनिशियली वाटर लेवल यहाँ पे है, ठीक, और उसके अगल बगल का वाटर टेबल का लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे 1 पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे 1 है आपका इनिशियल वाटर यहाँ पे। तो हम क्या देखते हैं, अगर बारिश नहीं हो रही है तो वाटर टेबल के कारण इनफिल्ट्रेट होकर कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, धीरे धीरे वाटर टेबल इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो उसको हम Q1 से दिखाते हैं उसका डिस्चार्ज, ठीक। अब जैसे जैसे कंट्रीब्यूट हो रहा था इसका लेवल बढ़ेगा, आफ्टर सम टाइम यहाँ आ जाएगा, डिस्चार्ज थोड़ा कम होगा, फिर धीरे धीरे होते होते जब एक लेवल दोनों का बराबर हो जाएगा तो डिस्चार्ज हमारा कुछ समय बाद जीरो हो जाएगा बेस फ्लो का, ठीक। लेकिन अब मान लो बारिश इसी बीच स्टार्ट हो गई तो हमारा जो रिवर का वाटर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करके कुछ दूसरे लेवल पर चला जाएगा, कुछ ऊपर आ जाएगा, जब बारिश स्टार्ट हो गई तो लेवल यहाँ पहुँच गया, और लेकिन हमारा वाटर टेबल क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो कुछ 0.2 तक पहुँचा होगा, तो एक निगेटिव मतलब हमारे रिवर से पानी धीरे धीरे करके कहाँ जाने लगेगा,
अंदर ग्राउंड में, तो इस निगेटिव वाले पोर्शन ये इसी करंट ग्राफ है नीचे चला जा रहा है। ग्राफ नीचे जाने से मतलब क्या है, जो आपका स्ट्रीम है रिवर है वो कंट्रीब्यूट करने लग रहा है ग्राउंड में, तो इस कारण ग्राफ निगेटिव है। लेकिन जैसे ही बारिश बंद होगी तो धीरे धीरे आपका रिवर का पानी नीचे चला जाएगा, वाटर लेवल नीचे और ग्राउंड वाटर टेबल फिर से ऊपर आ जाएगा, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह वेरिएट होगा। ये हमारा क्या है, बेस फ्लो का एक्चुअल वेरिएशन है, ठीक। लेकिन हम जब भी हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा इस वेरिएशन को हम नेगलेक्ट करके हम एज्यूम कर लेते हैं, वी एज्यूम बेस फ्लो इज़ कॉन्स्टेंट। बेस फ्लो कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्यू आपका कॉन्स्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ का हाइड्रोग्राफ दैट रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ टोटल डिस्चार्ज विद टाइम। टोटल डिस्चार्ज से हमारा क्या मतलब है, बेस फ्लो प्लस डायरेक्ट रन ऑफ। बेस फ्लो मतलब ग्राउंड वाटर की जो डिस्चार्ज, ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर जो डिस्चार्ज हो रहा है, और डायरेक्ट रन ऑफ मतलब सरफेस रन ऑफ। तो इन दोनों को जोड़ के जो ग्राफ बन रहा है उसको हम बोलते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो अगर हम फ्लड हाइड्रोग्राफ तो वाई एक्सिस पे टोटल डिस्चार्ज, एक्स एक्सिस पे टाइम, ठीक। यहाँ पे आपका ये आपका रेनफॉल हाइड्रोग्राफ बना लेते हैं। उसके बाद देखो सबसे पहले काम करेंगे बेस फ्लो। तो बेस फ्लो आपका इनिशियली कुछ यहाँ पे होगा जो कि कांस्टेंट होगा, ठीक। इनिशियल कुछ डिस्चार्ज इसमें आ जाएगा बेस फ्लो। उसके बाद जो हम इसी में हम डायरेक्ट रन ऑफ वाले को जोड़ दें, तो कुछ डायरेक्ट रन ऑफ आप पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ इस तरीके का कर्व होता है, पहले इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो ये पूरा ग्राफ क्या कहलाएगा, फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक। फ्लड हाइड्रोग्राफ इसके बीच में टोटल डिस्चार्ज और टाइम के बीच में। यहाँ से हम रन ऑफ डेप्थ भी निकाल सकते हैं। रन ऑफ डेप्थ का एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ डिवाइडेड बाई कैचमेंट एरिया, जिसको 0.36 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन का। अगर रन ऑफ डेप्थ सेंटीमीटर में है, एरिया आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में है, कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, तो इस तरीके का यहाँ से हम रन ऑफ डेप्थ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।